नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED रिजल्ट 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 जनवरी 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्त, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2019 और 2021 बैच के लिए क्या बड़ी अपडेट है। पहले दोस्तों, आपको पता चल चुका होगा कि भैया कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्त, इस समय छुट्टियों का दौर भी जारी है, अब फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं कि 23 जनवरी तक भौतिक रूप से पठन पाठन स्थगित रखा जाए। जी हाँ दोस्त, ये ट्वीट आता है सीएम ऑफिस यूपी की तरफ से, बहुत ही बड़ा ट्वीट है ये। और उसके बाद दोस्तों आप ये देख सकते हैं लिखित में आदेश भी आ जाता है। और 24 घंटे के अंदर दोस्तों हमारे देश में 257,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आते हैं, 388 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो गाइस, भैया कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बाकी यूपी टेट परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है? क्या दोस्तों 23 जनवरी को पेपर हो पाएगा? अब दोस्तों काफी बच्चे फोन करते हैं, बोलते हैं सर जी हमें सर्दी है, बुखार है, जुखाम है, क्या हम पेपर दे पाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि भैया देख लिया जाए, सर्दी बुखार वालों को बाहर कर दिया जाए। तो गाइस, अभी तक इसको लेकर कोई अलग से नोटिस नहीं आई कि इन केस अगर किसी बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई लक्षण है, ठीक है, सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी, तो उनको क्या अलग से कमरा दिया जाएगा, अलग कमरे में बैठकर वो पेपर देंगे या क्या होगा उनके साथ? तो भैया पीएनपी को जल्द से जल्द क्लियर कर देना कि 17 तारीख हो चुकी है। अगर अभी तक आपने अपना यूपी टेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया लिंक दिया गया है। पासवर्ड भूल गए, रजिस्ट्रेशन भूल गए नंबर, तो उसमें दोस्तों रिसेंड का ऑप्शन आता है, वहां से भी आप अपना रिसेंड करके भैया काम करिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। ज्यादा लेट लतीफी मत करिए, नहीं तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। बाकी देखिए तृतीय सेमेस्टर प्रमोट लेटेस्ट अपडेट। तो गाइस, अब देखिए प्रमोट होने के आसार बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। उससे बेहतर है कि आप लोग अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी अच्छे तरीके से करिए, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों आज हमारी 17 तारीख हो चुकी है, मतलब आज अंतिम दिन है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने। तो दोस्तों पहले हम आपके सामने दिखा देते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर जो हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है, या दोस्तों बैक पेपर फॉर्म जो भी आप इसको कहिए, इसकी तारीख देखिए 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक थी। अब दोस्तों जब इस वीडियो को हम बना रहे हैं ना, तब 14 घंटे आपके पास समय और बचा था। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो समय कम होता जाए, लेकिन जल्द से जल्द कॉलेज से संपर्क करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा लीजिएगा, नहीं तो फिर आप बाद में परेशान हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आप स्कूटनी के लिए आवेदन करना चाहते हैं चतुर्थ सेमेस्टर में, तो उसकी अंतिम तारीख है 27 जनवरी। तो यहाँ पर अभी 10 दिन का समय शेष है। तो गाइस, आप इस वीडियो को पहले अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और देखिए, अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया तो आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी कि आप कौन से सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हैं। अगर आपने सेकंड सेमेस्टर बैक परीक्षा का फॉर्म भरा तो पहले आप उस पेपर को देंगे, उसके बाद आपके कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जाएगा, तो आप उसके साथ साथ थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। लेकिन देखिए, जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर मतलब क्लियर हो गए थे, पास हो गए थे, उन बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन पीएनपी ने उनके साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया। इसीलिए दोस्तों बच्चों ने लगातार संघर्ष जारी रखा, लेकिन अभी तक प्रमोट को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आ पाई। इस वजह से बच्चे परेशान है कि भैया अब हमारा भविष्य क्या होगा, क्या करेंगे हम, कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो गाइस, उन बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, उन 23,000 छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, बताते रहिए। और देखिए, फिलहाल आपने थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया तो आपका पेपर थर्ड सेमेस्टर का ही होगा, ठीक है। और अगर आपको प्रमोट किया जाएगा तो पहले आपसे प्रमोट का फॉर्म भराया जाएगा, उसके बाद चतुर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जाएगा, तब जाकर आप फोर्थ का पेपर दे पाएंगे। तो पहले आप लोग थर्ड सेमेस्टर की तैयारी 100% कर लीजिए, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो यूपी टेट की परीक्षा को भी ये चाहे तो स्थगित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, सुपर टेट की फिलहाल अभी कोई परीक्षा के आसार नजर नहीं आ रहे। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, आपको पता है कि सरकार नई बनेगी, तो ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही वैकेंसी आ जाएगी, समय आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों स्वास्थ्य बिगड़ गया ना, तबीयत खराब होगी तो ज़्यादा दिक्कत है। एक तो वैसे दोस्तों नौकरी नहीं, उसके बाद होगा ना इलाज पर अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा। कोरोना के मामले जब जानते हैं आप लोग, के केसेस बढ़ते हैं तो 10 का 20 हो जाता है, मतलब रेट बढ़ जाता है, दुगना तिगने दाम पर दोस्त बिकने लगता है सब कुछ। और देख सकते हैं आप यहाँ पर कि TET की तैयारियाँ तेज है, कोरोना प्रोटोकॉल का होगा पालन। फिलहाल दोस्तों परीक्षा स्थगित की कोई न्यूज नहीं है, तो फिलहाल सोशल मीडिया के अफवाह से आप लोग सावधान रहिएगा। अपडेट क्या आ रही है, ज्ञानपुर से अपडेट है, जिले में 23 जनवरी को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी तेज हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर सैनिटाइजर व मास्क प्रत्येक अभ्यर्थी, शिक्षक और कर्मचारी के लिए जरूरी होगा।
नवंबर में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक होने से निरस्त हो गई थी, अब 23 जनवरी को फिर से परीक्षा कराई जानी है। तो दोस्त ये बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद दोस्त आप इस अपडेट को भी जरा ध्यान रखिएगा कि यूपी टेट की 23 जनवरी को होने वाली परीक्षा के अभ्यर्थी रोडवेज बसों में फ्री कर सकेंगे सफर यात्रा। तो फिलहाल आप दोस्तों यह सुविधा आपके लिए देखिए 22, 23 और 24 तीन दिन आपको ये सुविधा मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर आपका पेपर 23 तारीख को तो आप घर से 22 तारीख को भी निकलेंगे तो ये आपको दोस्तों फ्री में सफर का मौका मिलेगा। उसके बाद आप इस अपडेट को देखिए, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पूरी करवाने के सोशल मीडिया पर एक जुटता चल रही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 6,800 की चौथी सूची में शामिल अभ्यर्थी अपनी भर्ती पूरी कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हो गए हैं। इन अभ्यर्थियों ने सभी 18 मंडल में अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए ताकि भर्ती पूरी होने तक समन्वय बना रहे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की क्या मांग रखी जा रही है। शिक्षक कर्मचारी ने पुरानी पेंशन के लिए सोशल मीडिया को बनाया हथियार, चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग। जी हां दोस्तों देखते हैं क्या होता है। और आप इस अपडेट को देखिए कि पॉलिटेक्निक की 20 जनवरी से शुरू होने वाली विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर को स्थगित करने का दौर अब शुरू हो चुका है। देखिए कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों इस समय हम कह सकते हैं कि कुछ ही दिन में मामले पीक पर होंगे। थोड़ी सी सावधानी हम कुछ दिन बरतते हैं तो फिर से कोरोना के केसेस कम होने लगेंगे। तो गाइस कुछ दिन की बात है, घर पर रहिए, सतर्क रहिए तो बढ़िया रहेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थी भयभीत हैं, यूपी टेट व पीसीए 2021 परीक्षा टालने की मांग तेज कर दी गई है। तो दोस्तों ये बड़ी बात है, कोरोना संक्रमण का प्रकोप देखिए बढ़ता जा रहा है। पीड़ितों में वो प्रतियोगी छात्र भी शामिल है जिनकी आने वाले दिनों में परीक्षा है। सूबे में 23 जनवरी को यूपी टेट व 28 जनवरी से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीए 2021 मेंस मुख्य परीक्षा होनी है। तो दोस्त ये बड़ी बड़ी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, अपडेट्स जो आ रही है लगातार। और बाकी देखिए तृतीय सेमेस्टर प्रमोट को लेकर कोई भी आधिकारिक अपडेट नहीं है, तो आप लोग किसी भी कंफ्यूजन में मत रहिए, परीक्षा की तैयारी करिए, ठीक है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म भर के आए तो भैया आपका पेपर थर्ड सेमेस्टर का ही होगा, ठीक है। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा तो आप पेपर भी नहीं दे पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। तो आज अंतिम तारीख है, देख लीजिएगा वीडियो को, नहीं तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। नहीं तो फिर होता है ना, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है देख लेंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, बिना एग्जामिनेशन फॉर्म भरे आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, फिर आप परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आपके मन में सवाल होगा कि डीएलएड स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा। स्कूटनी में दोस्तों लेट लतीफी कर रहे हैं, कौन कौन से सेमेस्टर स्कूटनी का फंसा है, प्रथम द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर। ये दोस्तों रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। उसके बाद आपको बता दें चतुर्थ सेमेस्टर स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया लगातार जारी है। बाकी पेपर हमारा 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक कराया जाएगा डीएलएड। बाकी देखिए चुनाव है, हो सकता है कि परीक्षा की तारीख को टाला जाए, लेकिन जब तक कोई नोटिस ना आ जाए तब तक आप तैयारी 100% करिए। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी देखिए हम आपको न्यूज देते रहते हैं कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आए तब तक वो सिर्फ एक खबर रहती है, लेकिन जब आ जाती है तो भैया वो बिल्कुल 100% वाली सच्ची खबर हो जाती है। फिलहाल दोस्त यहाँ पर आपको सारी ऑफिशियल अपडेट्स ही मिलती हैं, परेशान मत होइए, जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आपके सामने लाएंगे। फिलहाल परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिए। फेल छात्रों के लिए दोस्तों खुशखबरी यहाँ पर यही थी कि सुपर टेट की फिलहाल अभी वैकेंसी नहीं आई, तो आपको मौका मिल सकता है, तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।